Hi everyone. Good evening, everyone. Hello, everyone. How are you? I hope you people are fine and healthy and enjoying your life, as parent and as an individual also. So let's start with the Wednesday, and this very beautiful Wednesday has brought a very beautiful topic. Also, we are going to discuss a something that is mostly ignored. We are going to talk about fathers today. Lots and lots of parenting.

मैं आज भी अपने पापा को एडमायर करती हूँ मैं आज भी अपने पापा को इतना पसंद करती हूँ आई वॉन्टेड माई हजबेंड टू बी लाइक माई डैड यू नो सो एंड इट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल फीमेलोर आर लिस टू मी एंड सो एवर टू मी लेटर ऑल्सो कि अवर फर्स्ट लव इज आर डैड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द फीमेल आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज ऑल्सो सो बॉयज वेन एवर दे सी देर फादर्स उनको अपने पापा में एक रोल मॉडल दिखाई देता है उनके लिए उनके जो पापा होते हैं ना वो दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो होते हैं माचो मैन कह लो डूड कह लो यू यू टेक ऑफ एनी नेम सो बच्चे जो होते हैं वो अपने पापा लोगों को मम्मा को तो प्यार करते ही है दैट इज अफॉल्ट सेटिंग बट डैड के लिए एक अलग ही इंक्लिनेशन होती है अलग ही इमोशनल अटैचमेंट होता है ना सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट होता है बल्कि हम फादर्स को हम खुद वैसा बनना चाहते हैं मैं आई यूज़ टू वेयर माय फादर्स यूनिफॉर्म ऑल्सो माय फादर वाज इन आर्मी सो मुझे लगता था मैं पापा की यूनिफॉर्म भी पहनू मैं पापा के जूतों में फिट भी नहीं होती थी तब मेरे पैर छोटे छोटे थे आई यूज टू वेयर उस उनके बड़े बड़े शूज मैं उनके जैसे स्ट्रांग बनना चाहती थी मुझे लगता था पापा कितने स्ट्रांग होते हैं उनके जैसे स्ट्रांग बनना है और ये दिस इज ट्रू फॉर एवरी इंडिविजुअल वी लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स आप देखें फादर फिगर जो है उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रही है बट कहीं ना कहीं मैं आ, कहना चाहूंगी कि फादर्स जो है ना वो अपने इमोशंस को बताते ही नहीं है माई डैड मुझे बहुत कम याद है कि मेरे पापा ने कभी मुझे कहा हो कि मनी मुझे बहुत मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं या मनी तूने ये काम बहुत अच्छा किया अब वो कहते हैं जब मैं छोटी थी तब वो एक्सप्रेस नहीं करते थे आई हैव ऑलवेज सीन माई फादर एज अ नॉन एक्सप्रेसिव फादर और आई थिंक इट इज ट्रू फॉर ऑल द फादर्स आर लिसनिंग टू मी सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आज हम जानना चाहेंगे कि एक बच्चे मैं एज चाइल्ड आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं एज अ चाइल्ड क्या चाहती थी अपने पापा से सो दैट एवरीबडी ऑल ऑफ अस कैन रिलेट और हम जो फादर्स हैं वो हम अपनी इस चीज को, को अपनी पेरेंटिंग एज अ फादर को थोड़ा सा, थोड़ा सा चेंज कर सके। देखो, के रोल बहुत डिफिकल्ट होता है इट इज इट इज इट इज आई थिंक मैं अब बोल भी नहीं पाऊंगी इस चीज को कि फादर्स के रोल मल्टीपल फोल्ड होते हैं मल्टीपल फोल्ड मतलब दे आर डिप्लमर ऑफ द हाउस ऑल्सो दे आर द इलेक्ट्रिशियन ऑफ द हाउस ऑल्सो

अकाउंट्स को देख लो अगर आप यू सी अबाउट डिटेल यू सी अबाउट वॉट इज देयर इन द फैमिली दे लुक आफ्टर वेदर माई फैमिली इज कम्फर्टेबल इनफ उनको कम्फर्ट की हर चीज प्रोवाइड करने का काम अगर देखा जाए तो इट्स इट्स ऑफकोर्स एवरी वन ऑल ऑफ अस विल से दैट फादर्स आर देयर फादर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और फादर्स जो है वो उनके इतने रोल्स हैं इतने रोल्स हैं कि शायद बताते बताते दो दिन लग जाएंगे फादर्स को काम करते ही देखा गया है बहुत कम ऐसे फादर्स होंगे जो शायद रिलैक्स करके टीवी देख रहे हो या कुछ कर रहे हो वो भी कुछ टाइम के लिए फादर्स को हमेशा पुराने टाइम से ही एक काम करने वाला इंसान के रूप में ही देखा गया है फीमेल्स को होम मेकर हम कह देते हैं फीमेल्स कैन बी कॉल्ड एज होम मेकर आई कॉल माई सेल्फ अ प्राउड होम मेकर बिकॉज आई नो कि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड बैठे हैं हु इज अर्निंग एंड हु नॉट जो कभी फैमिली में तकलीफ नहीं आने देंगे तो आई कैन कॉल माई सेल्फ अ प्राउडली अ होम मेकर नाउ इसी तरह से कई फीमेल्स आपने कभी देखा है फादर को कहा जाए होम मेकर जबकि ये जो होम मेकर टर्म है इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड अगर फीमेल एक होम मेकर है सिटिंग एंड होम एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन जो फादर्स है वो भी तो होम मेकर है उन्होंने तो होम बनाया उन्होंने उसके अंदर आप कंफर्टेबल रहो इसके लिए सब चीजें प्रोवाइड करने का जिम्मा भी तो उन्हीं का है तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज होम मेकर बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि क्योंकि सदियों से फादर्स काम करते आ रहे हैं वो घर में बैठ नहीं सकते दे के नॉट सिट एट होम वी हैव ऑलवेज सीन फादर्स एज एन एज अर्निंग मेम्बर ऑफ द सोसाइटी राइट

वो चाहते हैं हमारा बच्चा टॉपर हो हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट बने सोशल ह्यूमन बीइंग हो जाके सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स बनाए लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखे ना सिर्फ यही उनको ये भी होता है कि वो क्लास में अगर है तो वो क्लास में टॉपर रहे अपना होमवर्क टाइम पे करे और सब मेरे बच्चे को एक अच्छा बच्चा कहे पर क्या आप जानते हैं एज फादर्स क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे क्या मिस करते हैं बीइंग अ फादर इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिव एंड इफ यू आर एक्सप्रेसिव आप अगर एक्सप्रेशन देते भी हो तो मोस्ट ऑफ योर एक्सप्रेशन एज अ फादर इज अथॉरिटी वाला माचोमैन वाला डॉन वाला तो वो कहीं ना कहीं हम चाहते नहीं है ऐसा होना बट बाय चांस हो जाता है वाई बिकॉज जो मैंने आपको वजह बताई है क्योंकि फादर्स आर ओवर ऑक्यूपाइड विथ सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि ना चाहते हुए भी चाहते ना चाहते हुए भी उनकी इंटरेक्शन उनके बच्चों के साथ रूड क्रूड कभी कभी हो जाती है आज इसी टॉपिक के ऊपर बारे में हम बात करेंगे देखो पहले तो मैं आपको सबको ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं ना तो पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट अ यूनिट इट कैन नॉट बी अ मदरिंग इट नॉट बी अ फादरिंग सो अकेली मम्मा पेरेंटिंग कर रही है या अकेली फादर पेरेंटिंग कर, ऐसा कभी भी नहीं होता इट्स ऑलवेज अ यूनिट When a child is born, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि जब भी आपके घर में एक बेबी बर्थ लेता है तो आप ये समझ लीजिए कि सात साल तक आप एक closed सर्किट कैमरा की जोन में है Closed सर्किट कैमरा का मेरा मतलब है कि आप एक बिग बॉस की जोन में है तो आपकी एक एक मोमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो रही है अब वो रिकॉर्ड कहाँ हो रही है आपकी वो एक एक मोमेंट रिकॉर्ड हो रही है बच्चे के दिमाग में बच्चे के ब्रेन में राइट बच्चे जो होते हैं वो कभी भी एक एसओपी एसओपी आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड स्टैंडिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस वो लेकर पैदा नहीं होते हैं ब्लैंक सीधी की तरह आते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक उनका कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है एनवायरमेंट से वो सब कुछ अडैप्ट करते हैं तो जैसे बच्चा पैदा होता है आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली नेचुरली उसको कुछ टाइम के बाद पता लग जाता है ये मेरी मॉम है ये मेरे पापा हैं और ये मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट पीपल हैं तभी बच्चा अपने मम्मी की गोदी से किसी और की गोदी में जाता है तो रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है नेचुरली कि ये मेरी मम है और ये मेरे डैड है और मैं मे, मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिंदगी के अभी मैं जिस लाइफ में आया हूँ उसके सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई लोग हैं तो वो मेरे मम डैड है वो उसको भगवान जी की तरफ से नेचुरली एक इंस्टिंक्ट की तरफ से पता लग जाता है राइट right? जब बच्चे को ये समझ में आने शुरू हो जाते हैं कि ये मेरे मॉम और ये मेरे डैड हैं और ये जो करेंगे ये जो एक्शन करेंगे ये जिन लोगों से मिलेंगे ये जो इनकी हैबिट्स होंगी वैसे ही होता है वही सही है बच्चे को नहीं पता सही क्या और गलत क्या पता ही नहीं होता वो तो यही देखेगा जब मॉम डैड जैसा करेंगे बच्चा समझेगा यही सही है दिस इज राइट इसके अलावा कुछ और राइट right हो ही नहीं सकता तो आपने अपने बच्चे की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस को बनाना शुरू कर दिया सेट करना शुरू कर दिया है और हमें ये पता नहीं होता। हम बच्चे क्या जानना चाहता है क्या बच्चे की एसओपी में यह सब कुछ रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बस घर में आपका बच्चा है और आपके घर में आजकल सर्वेंट सबके घर में होते हैं हेल्प सबके घर में है इफ डैड स्पेशली पापा अगर सर्वेंट्स के साथ इस तरह का बर्ताव है जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए तुमने यहाँ पे गंदा छोड़ दिया सब कुछ देखो यहाँ पे कितना गंदगी पड़ी हुई है साफ करना नहीं आता तुम्हारे घर में तुम्हें यही सिखाया जाता है किस बात की मैं तुम्हें तनखा देता हूँ बच्चे ने ये नहीं सोचना कि मेरे पापा गलत कह रहे हैं मेरी मम्मी गलत कह रही है उसके एसओपी में वो चीज रिकॉर्ड हो गई समझ रहे हो आप फीड हो गया उसके एसओपी में कि ये नॉर्मल है दिस इज नॉर्मल मेड्स के साथ सर्वेंट्स के साथ हेल्प के साथ ऐसा ही बोला जाता है दिस इज नॉर्मल तो जब बच्चा बड़ा होके आगे आने वाले टाइम में अपने से लो चाहे पावर में लो हो या स्टेटस में लो हो उसके साथ अगर ऐसे बात करेगा तो गलती कहीं ना कहीं आपके उस एक्शन की है फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा बदतमीज क्यों होता जा रहा है आई वोज इन द स्कूल एंड दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम पेरेंट्स यूज टू ब्रिंग दिस टू माई नोटिस मम डैड दोनों यही कहते हैं हमारा बच्चा मैम बहुत बदतमीज है ओवर आर्ग्यूमेंटेटिव है ये um, सर्वेंट्स के साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव करता है जब बैकग्राउंड में जाया जाए तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं डैड का बिहेवियर उस मेड सर्वेंट्स और उन लो स्किल वाले लोगों के साथ ऐसा रहा है बच्चे ने तो इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया अपने एसओपी में अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में उसने रिकॉर्ड कर लिया दिस इज नॉर्मल ऐसे ही चलेगा uh, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कुछ बच्चे ना मैंने एज आपने टीचिंग करियर में भी देखा है कि कुछ बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं जब कॉलेज में भी चले जाते हैं तो भी वो रूड होते हैं उनको पता नहीं होता वो रूड क्यों है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो इतना रूड क्यों है तो बचपन में कहीं ना कहीं उनके एसओपी में रूड होना गुस्सा करना बड़ों के साथ आर्ग्यू करना ये एक नॉर्मल फिनोमिनन की तरह फीड हो गया उनके दिमाग में ये फीड हो गया मे भी उनके घर में ये इस तरह का माहौल रहा होगा उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा देखो बच्चे ऊपर से कुछ नहीं सीख के आते भगवान जी उनको एक बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक फ्लॉपी की तरह भेजते हैं मैंने कहा ना एकदम एसओपी उनकी बिल्कुल ब्लैंक होती है हम उनमें फीड करते हैं ये सारी चीजें तो अगर आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छा बने तो आप उसके सामने वही बिहेवियर करो जिस तरह का आप बच्चा चाहते हो रिमेंबर वन थिंग यू आर इन अग बॉस हाउस अ क्लोज सर्किट कैमरा which is watching you and not only watching you they are learning everything from you i can see rajaji is there shivika and ekta is there with me i'm so happy that you people are there in this in this wednesday patshala if you can relate with me and if you can see me if you can hear me and if you can relate what am i what am i talking is making sense to you give me a thumbs up in the chat box so that i know that all of your energy is matching with my energy and thank you so much for being there in the class right ab main aapko ek aur bahut important baat bataungi aajkal modern dikhne ke liye modern dikhne ke liye everybody wants to be modern मैंने बताया है कि cultural cultural shift हो चुका है एक बहुत बड़ा cultural shift हुआ है जहाँ पे traditions को values को और कल्चर को इम्पोर्टेंस दी जाती थी वहां से कल्चर शिफ्ट होके आजकल बहुत ज्यादा दूसरी चीजों को हमने इंपॉर्टेंस देना कंफर्ट्स को पोजीशंस को हमने इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया तो देखा गया है कि ये ड्रिंक करना लेट नाइट पार्टीज में जाना शॉर्ट कपड़े पहनना अपने आप को कूल डूड दिखाना ये बहुत नॉर्मल होता जा रहा है दिस इज बिकमिंग एब्सोल्यूटली वेरी नॉर्मल लेट नाइट पार्टीज अगर बच्चा घर में अपने मम डैड को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ड्रिंक करते देख रहा है रोज अगर उनके घर में हुक्का सिस्टम चल रहा है विच इज वेरी कॉमन आई एम वेरी सॉरी टू से दिस बट इट इज वेरी कॉमन इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज टूडे देर इज एन ओपन बार इन द हाउस वेयर द पीपल आर कमिंग एंड दे आर इंजॉइंग हुक्का पार्टी दे आर इंजॉइंग ड्रिंकिंग इवन द फीमेल ऑफ द हाउस जिनके लिए ये चीज बैन हुआ करती थी उसको एक बहुत ही इलेबोरेटेड चीज इलेबोरेटेड तरीके से शो ऑफ करते हुए लोग आ रहे हैं और इस तरह की पार्टी नर्चर किया जा रहा है घर में जहां बच्चे हैं तो आई एम सॉरी टू से दैट आपका बच्चा टीन में बिगड़े और फिर आप कहें कि मेरे बच्चे में ये ऐसे संस्कार कहां से आ रहे हैं तो ये अतिशयोक्ति है क्योंकि बच्चे के दिमाग ने इस चीज को एज नॉर्मल फीड कर लिया अब अगर वो ही बच्चा जब उसकी थोड़ी सी हिम्मत पड़ेगी वो ड्रिंक करना शुरू करेगा वो कहेगा आई वॉन्ट टू गो ऑन अ लेट नाइट पार्टी आई वॉन्ट टू हैव अ नाइट आउट विद माई फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू वेयर सर्टन काइंड ऑफ ड्रेस यू कैन नॉट से नो कौन सी अथॉरिटी से आप बच्चे को ना करोगे यू कैन नॉट से नो लाउड म्यूजिक इज कंसिडर एज टू बी नॉर्मल और हम इस चीज को करते हुए बड़ा डूड काइंड मैंने कहती ये गलत है आप करो बट फिर रिग्रेट नहीं करना कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों हो गया दैट्स ऑल इफ इट इज देयर इन योर कल्चर इफ यू वांट टू लुक कूल इफ यू वांट टू से कि ठीक है दिस इज अ न्यू नॉर्मल एंड सबको करना चाहिए तो ठीक है देन यू डोंट क्रिब कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों करना देन यू लेट योर चाइल्ड डू द सेम थिंग इट्स ऑल राइट बट इफ यू डोंट वॉन्ट द अर्ली एक्सपोजर टू योर चाइल्ड फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स देन प्लीज यू डू इट बट रीफ्रेम फ्रॉम डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ योर किड्स बिल्कुल बिल्कुल बना बंद कर दीजिए सात साल तक अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं अगर आप तीन ट्रिपल फोल्ड जॉब कर रहे हैं तो मेरी सजेशन है एक जॉब पे आ जाइए अगर आपका फ्रेंड सर्कल इतना वाइड है कि आप रोज लेट नाइट पार्टी जा रहे हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो मेरी सजेशन ये है कि आप उन सोशल सर्कल को कम करके अपने घर में अपने बच्चे को टाइम दीजिए अब आप कहोगे मैम आप तो हमें बांध ही जा रहे हो देखो बच्चा आपके पास नहीं आया था कहने के लिए मुझे पैदा करो टेल मी द चाइल्ड केम टू यू सेइंग प्लीज मुझे पैदा करो मैं मरे जा रहा हूँ आपके घर में आने के लिए प्लीज डिलीवर मी एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल डाई अदरवाइज आपने इट वॉज योर डिसीजन टू बिकम अ पेरेंट इट वॉज नॉट योर चाइल्ड डिसीजन कि मैं आपके घर में आना चाहता हूँ इट वॉज योर डिसीजन यू डिसाइडेड दैट बिकॉज ऑफ सेकेंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड माई फैमिली इज टू लुक कंप्लीट इट वॉज योर डिसीजन

बहुत बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि फादर बहुत लेट नाइट आ रहे हैं फादर शुड नॉट कम ड्रंक होम घर में अगर वो ड्रिंक करके आ रहे हैं तो बच्चे के एसओपी में ये नॉर्मल चीज हो जाएगी अगर बच्चा बॉय है तो उसके एसओपी में ये रिकॉर्ड हो जाएगा लेट नाइट आना ड्रिंक करके आना आते ही बच्चों को डांटना क्योंकि मैं काम करके आया हूं इज नॉर्मल और जब यही बच्चा बड़ा हो जाएगा वो अपने पापा जैसा बनेगा फिर तो आपने अपने जैसा एक और बना दिया अगर वो लड़की है आपके घर में बेटी है तो वो भी इस चीज को नॉर्मल रिकॉर्ड कर लेगी कि मेरा हस्बैंड अगर घर को लेट नाइट आएगा मुझे आके गुस्सा करेगा या गाड़ी को तेज ड्राइव करेगा तो दिस इज नॉर्मल शायद ऑल मेन आर लाइक दिस आई थिंक ऐसा हम नहीं चाहते वी नीड लिटल बिट ऑफ चेंजेस इन आर फ्यूचर जनरेशन सो उस चेंज वो चेंज तभी आएगा जब हम चेंज होंगे एज फादर यू हैव टू बी अ रोल मॉडल अ रोल मॉडल का कंडक्ट बिल्कुल रोल मॉडल के जैसा ही होना चाहिए रोल मॉडल में अब मैं आपको कंडक्ट बताऊं तो छोटी छोटी चीजें जो आपने बहुत अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना ऑल दो फादर हुआ वॉचिंग मी राइट नाउ प्लीज डो नॉट थिंक की मैम कह रही है जॉब छोड़ो घर बैठ जाओ बच्चे पालने के लिए नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही सी यू आर इन टू अर रोल यू हैव टू डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आई अंडरस्टैंड दैट यू आर टायर्ड

लेके स्कूल का बैग कैसे उठाना है बस में कैसे चढ़ना है डॉक्टर कैसे बनना है हर चीज सिखाते हैं क्या हमने कभी बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाया हमने नहीं सिखाया तो उनके एसओपी में ग्रेटिट्यूड कहाँ से आएगा आप मेरे को बताओ आप जितने जने यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ सो मेनी पीपल आर देयर टेल मी वन थिंग

So when the father छुट्टी वाला दिन है कभी है sit with your child and talk कि बच्चों आपके लिए बहुत you know all these things all those facilities that you are having mom dad they work a lot for it it's not easy it's difficult uske liye hame kaam karna padta hai mehnat karni padti hai ab ye jatana nahi hai ye batana hai there is a very thin line okay बच्चों को ये ना लगने लग पड़े कि हमारी वजह से हमारे माम डैड की जिंदगी बड़ी खराब हो गई नहीं ऐसे नहीं लगना चाहिए दे शुड नॉट फील कि हमारी वजह से माम डैड परेशान है बट वो ग्रेटिट्यूड ताकि बच्चे अपने आप ओवरवेलम्ड होके कहे कि मम डैड थैंक यू सो मच दैट यू पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स सो देन बेन दिस डैड विल कम बैक फ्रॉम दी ऑफिस जैसे ही पापा घर वापस आएंगे बच्चा आपको थैंक यू जरूर करेगा कि थैंक यू डैड आई नो इट वॉज अ टफ डे फॉर यू वॉट कैन आई डू फॉर यू कैन आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर

Very important. So, father role, uska conduct is very important. Fathers conduct, very important. Conduct with whom? Conduct with people who are around them. Partners, life partners ke saath conduct. Servants in the house, family members. When the children will see that the father is associated like this and it's a close knit family, I'm telling you, miracles will happen. Miracles will definitely happen. दूसरी चीज जो फादर्स को जरूर करनी चाहिए दैट इज कभी भी अपनी, अपनी अथॉरिटी नहीं दिखानी वी नो एवरीबडी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ही ये कहा है कि फादर होना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ मल्टीपल थिंग्स बहुत सारी फैमिली के अलावा मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर बट यू डोंट हैव टू शो दैट अथॉरिटी दैट पावर इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन वाई देर आर टू रीजन्स फादर्स की वजह से देर आर स्टडीज विच एज शोन

कि आई एम द मोस्ट पावरफुल आई एम अथॉरिटेरियन दैट इज वाई यू हैव टू लिसन टू मी नो बिल्कुल भी नहीं प्यार से बैठे समझाएं अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा कॉन्फिडेंट हो और अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की सेल्फ स्टीम रा हमेशा हायर साइड पे रहे तो प्लीज डोंट शो योर अथॉरिटी राइट सेकेंड थिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइक एजुकेट देम अबाउट एवरी थिंग एवरी थिंग इट्स नॉट दैट मम की ड्यूटी है ये वाली बात बताने की और पापा की ड्यूटी है ये वाली बात बताने की अगर फाइनेंस है तो पापा समझाएंगे अगर इट इज अबाउट हाउ योर बॉडी इज डेवलपिंग और गर्ल्स को के बारे में मम एजुकेट करेगी और डैड नहीं करेंगे नहीं कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मम डैड डिवाइड करके बताएं बच्चों को अब वो जमाना नहीं रह गया हमारे टाइम पे तो हमें क्लास में भी वो वाला मैंटरल सर्कल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चैप्टर था उसको ब्राउज थ्रू ही करा दिया मैम ने फटाफट भगवा दिया था अब जमाना इज नॉट लाइक दिस अब जमाना इज बहुत प्रॉब्लम बॉयज स्टार्ट विद प्रॉब्लम सो यू अबाउट योर पीयर ग्रुप यू नीड टू हेल्प द गर्ल यू नीड टू हेल्प द बॉय इन सर्टेन वे इस तरह की जब आप बात करोगे तो बच्चा स्पेशली फादर्स के साथ मैं कहती हूँ बहुत ही प्यारा बॉन्ड एंड आई नो मेनी फादर्स हु आर हैविंग दिस काइंड ऑफ बॉन्ड एंड मेनी ऑफ द फादर्स हु आर वाचिंग मी राइट नाउ एक दो तो उनमें से भी हैं आई नो गौतम सहगल इज देयर श्री राम इज देयर गौतम सहगल इज अ वेरी गुड फादर ही मतलब मैं मेरे नोन में है और मुझे पता है कि ये अपने बच्चों को किस कदर तक की इजाजत देते हैं एक्सप्लोर करने के लिए गिव यू नो चिल्ड्रन दे लर्न ओनली ट्रू टू फ्रॉम टू थिंग्स एक तो होता है बात करने से सीखते हैं दूसरा होता है एक्सप्लोर करने से हम वही फादर्स फादर हम वही उनको स्नब कर देते हैं बोलना नहीं चुप कर जाओ तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं मेरे से बात तो ऐसे नहीं करनी चुप करके बैठो वहां पे ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना नहीं कभी नहीं करना ऐसा बच्चे को आपने तो अपाहिज कर दिया अगर उसको बोलने नहीं दिया या अगर उसको एक्सप्लोर नहीं करने लेट देम एक्सप्लोर लेट देम गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन बट विद लिमिट्स और आपके साथ अगर आपके बच्चे का कनेक्शन अच्छा है योर कंडक्ट इज गुड तो बच्चा कभी भी वो बैरियर को ब्रेक करेगा ही नहीं कभी भी नहीं करेगा पार्टिसिपेट विद इन एवरी टॉक्स एवरी टॉक्स ऑफ दर्जी बात हो कितनी मर्जी हॉ वाली कितनी मर्जी छी वाली सिट विद देम एंड टॉक अबाउट एवरी थिंग थर्ड थिंग दैट द फादर्स कैन डू इज लाइक नेवर एवर स्कोल्ड योर चिल्ड्रन फॉर गेटिंग गुड मार्क्स गेटिंग लेस मार्क्स सॉरी राइट right? कि बच्चे के कम नंबर आए हैं हम इतनी कमाई कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं uh, मैंने देखा है कई फादर्स आई वो टीचर मेनी पेरेंट्स स्पेशली फादर्स यूज टू कम टू मी कि मैम मैं इसकी ये ट्यूशन क्लास लगाई हुई है ये ट्यूटर घर भी आता है और इसको मैंने ये एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई हुई है ये ये वाला काम करता है मैंने इसको मोबाइल लेके दिया है मैंने इसको लैपटॉप लेके दिया है इसके नंबर फिर भी नहीं आते बच्चे को ये सब चीजें चाहिए ही नहीं यू आर स्पेंडिंग नाइट

ई एम पता नहीं डूइंग वॉट नॉट विच दे हैव नॉट एंजॉयड वो पहले जब बचपन में भी पढ़ाई करते रहे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं एंड देर नेवर सेटिस्फाइड नेवर सेटिस्फाइड तो प्लीज बेंच मार्क कि भाई आपका बच्चे के नंबर आने चाहिए ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि नंबर आने से मुझे याद भी नहीं है मेरे टेंथ में मेरे एर्थ में कितने नंबर आए थे पता भी नहीं मुझे आई मेरे को इतना जरूर पता है कि आई वॉज एन आउट स्टैंडिंग स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग मतलब स्टैंडिंग आउट साइड द क्लास आई ऑलवेज यूज टू स्टैंड आउटसाइड माई क्लास

जाओ और अपने बच्चों को मोर किस दो मोटिवेट देम प्यार ज्यादा करो उनके साथ गो एंड बेक केक जो कभी फादर्स शायद नहीं करते हैं बेक केक एंड बर्न अ केक इट्स हाउ डज इट मैटर इट्स ऑल राइट कोई बात नहीं गो डू क्रेजी थिंग्स विद योर चिल्ड्रेन इतनी छोटी जिंदगी आपके बच्चे आपके पास बहुत कम टाइम के लिए कब वो उड़ जाएंगे और वो आपके कमरे में खलारा पड़ा रहता है जो आप उसी खलारे को देख देखे ने बताया कि दोनों उनकी लड़कियां कनाडा जा रही हैं सो दे हैव स्टॉप सेनीथिंग टू देयर चिल्ड्रन सो द मेस दैट दे यूज टू क्रिएट उसको भी उन्होंने मना करना कि अभी ये मेस दिख रहा है दो महीने के बाद ये मेस ही हम मिस करेंगे तो प्लीज लेट लेट दम बी मेसी लेट लेट द दैट मेस शुड नॉट डिस्टर्ब यू बच्चों के साथ जितना टाइम हो सके कनेक्शन बिल्डिंग का इमोशनल बिल्ड इमोशंस बिल्डिंग का करिए छोटे छोटे चेंजेस ही तो करने हैं टॉक मोर गो ऑन लॉन्ग वॉक्स बर्न अ केक इट्स ओके इट्स ऑल राइट नो प्रॉब्लम गो एन गेट मेसी इट्स ऑल राइट ओपन हाउस पे अपने बच्चे के साथ जरूर जाओ जरूर जाओ इट्स यूजली इट्स मम्स ड्यूटी बट फादर्स शुड ऑल्सो टेकआउट समाइम आउट टू गो ऑन ओपन हाउस ओपन हाउस मीन बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है उसपे फादर्स को जरूर जाना चाहिए सिर्फ जाना ही नहीं है अटेंडेंस के लिए पार्टिसिपेट कि बच्चा क्या ग्रोथ है उसकी मैम से बात करो ठीक है बहुत जरूरी है मम्मी का कभी कभी हाथ बैठा दिया किचन में अपनी वाइफ का कभी कभी हाथ उससे बच्चे के एसओपी में ये चीज सेट हो जाती है माई डैड इज केयरिंग ही लविंग कभी कभी मम मम के साथ थोड़ा थोड़ा काम किचन में करा दिया बच्चों को ज्यादा शाबाशी दो थोड़ा बहुत किचन का काम कर दिया कभी कभी ओके मेक अ मैगी इफ नथिंग एल्स तो व्हेन द चिल्ड्रन दे सी देयर डैड वर्किंग इन द किचन दिस जेंडर बायस वाले रोल्स नहीं आते फिर कि किचन इज किचन इज ओनली रिलेटेड टू मम्मी एंड बाकी काम डैडी का होता है ऐसा कुछ नहीं आएगा गो विद दम फॉर शॉपिंग आई हैव सीन पेरेंट्स स्पेशली फादर्स ये शॉपिंग वाला काम भी उन्होंने मम्मी को ही दिया होता है कि तुम्हारा जॉब है नहीं गो ऑन शॉपिंग डू शॉपिंग टूगैदर हाउ डज इट मैटर पार्टिसिपेट रिव्यू योर और वो ग्रैटिट्यूड वाली जो मैंने बात बताई है बच्चों के साथ जरूर करनी है छोटी छोटी चीज़ें हैं हम समझ नहीं पाते इतने सालों बाद मुझे अब जाके समझ में आई है आई ट्राई माई लेवल बेस्ट और अब मेरे पापा मेरे से इतने एक्सप्रेसिव हैं कि वो ऑलमोस्ट अपने सारे इमोशंस शेयर करते हैं रो भी बढ़ते हैं कभी कभी अच्छा भी लगता है एंड उनकी एक बात जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी वो ये कहते हैं काश मुझे तुम्हारे बचपन वाले वो दिन वापस मिल जाए ताकि मैंने जो बचपन में तुम्हारे बचपन में गलतियां की थी वो गलतियों को मैं सुधार सकूं। बट कोई बात नहीं इट्स ऑल राइट वी ऑल आर ह्यूम उनकी एसओपी में ऐसा ही फीड हुआ पड़ा था इसीलिए दे आर लाइक दिस अब हम अपने बच्चों की एसओपी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस किस तरह का बनाते हैं डिपेंड अपॉन यू इसी के साथ मैं आज की पाठशाला को खत्म करती हूँ थैंक यू हरेंद्र सिंह जोधा श्रीराम गौतम जी प्रियंका भाटिया ज्योत्सना थैंक यू सो मच हू इज वॉचिंग मी लाइव राइट नाउ विल मीट नेक्स्ट वेंसडे वंस अगेन विद अनादर टॉपिक विच इज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच ब्लेस यू एंड पेरेंटिंग टू ऑल ऑफ यू थैंक यू